गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपने पढ़ा था सेलों के संयोजन के बारे में, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, समानतम संयोजन, ठीक है। आपसे कहा था इस पे मॉड्यूल के अंदर 2-3 सॉल्ड एग्जांपल दे रखे हैं, उनको करके आना, तो डेफिनेट आप करके भी आए होंगे, ठीक है। चलो उसके अलावा और 2-3 एग्जाम्पल आपको और समझाऊं मैं क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले अपन देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। आपसे कह रहा है यदि दो सेल, चलो यू समझें कि दो सेल जो इस डायग्राम को, इसमें दो एक सेल और एक सेल कनेक्टेड है आपस में, और ये प्रतिरोध आर जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2E, R1 है, ये E, R2 है, और ये रेजिस्टेंस R है। दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि इसे एक सिंगल लूप दिख रहा है तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा ही सही। अब चौंक पे देखिए, ये वाला सेल तो धारा इधर देना चाहता है, क्योंकि इसका प्लस इधर से ना इधर धारा देना चाहता है। इसका सेल, ये सेल है, इधर धारा इधर देना चाहता है, लेकिन मतलब दोनों सेल क्या है? विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं। विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं तो धारा किसके अनुसार प्रवाहित होगी? जो बड़ा सेल है। बड़ा सेल कौन सा है? ये वाला। तो इसके अनुसार धारा प्रवाहित होगी, तो ये 2E सेल है, बड़ा सेल है, धारा इसके अनुसार जाएगी इस तरह से, इस दिशा में, ठीक है। तो जब भी दो सेल विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं तो बड़े वाले सेल के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, ये अपने दिखा दी, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेकंड सेल का टीपीडी मतलब टर्मिनल वोल्टता, इस सेल की टर्मिनल वोल्टता मतलब VXY का मान अगर शून्य हो तो R1 R2 में संबंध बताना है क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व यहाँ पे। तो बच्चों पहले हमें धारा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टीपीडी निकालने पहले हमें धारा की आवश्यकता होती है। तो पहले अपन यहाँ पे निकालें धारा का मान। देखिए यहाँ पे धारा निकालें I इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? E net upon R net से, मतलब net EMF upon net resistance, तो net EMF क्या होगा? दोनों सेल विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं तो 2E-E करना पड़ेगा, 2E-E, ठीक है। और net resistance, तो चाहे एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप में सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो R+R1+R2 ये दिखा दिए अपन ने, ठीक है। तो क्या हो गया ऊपर तो E, और नीचे क्या हो जाएगा? ये R+R1+R2, ठीक है। अब बच्चों हमें ये धारा निकाल ली हमने, अब देखिए हमें टीपीडी निकालना है सेकंड सेल का। तो सेकंड सेल है, गौर देखिए, इसके अंदर धारा प्रवेश कर रही है, ये सेकंड वाला सेल है, इसके प्लस के अंदर धारा प्रवेश कर रही है, मतलब इसके आवेशन की स्थिति है। और कोई सेल के प्लस मतलब प्लस सिरे में धारा प्रवेश कर रही होती है, अर्थात अगर सेल की आवेशन की स्थिति होती है तो उस समय टीपीडी का मान क्या होता है? V = E + IR, ठीक है। तो वही अपन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सेकंड का टीपीडी, टीपीडी वी बराबर क्या जाएगा बच्चों? ये जाएगा V = E + IR, क्यों? क्योंकि आवेशन हो रहा है इसका, ठीक है, आवेशन, क्योंकि हमें इसका आवेशन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे E + IR लगा दिया अपन ने। अब जो उसका मान जीरो बोला है तो जीरो रख दिया, ठीक है। E as it is है, प्लस I का मान रख दे रहा E upon, अच्छा यहाँ पे R कौन सा बच्चा? यहाँ पे R2 वाला आ रहा है, इसको R2 कर देना, R2, तो I का मान रख दो E upon R plus R1 plus R2, ठीक है, और ये R2, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक काम करें, इस E को उठा के इधर ले आए, तो इस E को उठा के इधर ले आए तो क्या बनेगा? क्या चलो इस वाली राशि को उठा के इधर ले आते हैं, नेगेटिव हो जाएगी, ये जाएगी माइनस का ER2 बटे में R+R1+R2 बराबर कितना आएगा? ये E इधर बच जाएगा E। अब चलो इस E से इस E को काट दो तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो -R2 आया, बराबर ये राशि इधर मल्टीप्लाई होगी R+R1+R2, ठीक है। अब इस राशि को उठा के उधर ले आओ तो प्लस हो जाएगी, तो इधर जाके जुड़ जाएगी तो 2R2 हो जाएगा, तो क्या जाएगा? रिजल्ट आ गया R+R1+2R2 = 0, तो ये आंसर आ जाएगा, इन तीनों में संबंध आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने श्रेणी क्रम का। चलो एक और क्वेश्चन देखें श्रेणी क्रम पे ही आधारित। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि N > 4 समान सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब कुल सेलों की संख्या 4 से ज्यादा है, जैसे कि 5 है या 6 है या 7 है, मतलब 4 से ज्यादा संख्या है, कह रहा है कि श्रेणी में जुड़े जहां दो सेलों की ध्रुवता विपरीत दिशा में, तो जितने भी सेल है उसमें दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए टोटल 10 सेल है, 10 में से दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, तो सीधे सेल कितने बचे? 8। सीधे कितने बचे? 8, ठीक है। तो अब कह रहा है तो किसी भी एक विपरीत ध्रुवता वाले सेल का टीपीडी ज्ञात करो। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पे दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, ये दिखा दिए मैंने, दो सेल उल्टे दिखा दिए, जितने भी सेल थे दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, ये E, R, ये भी सेल E, R, दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, तो देखो इनका अगर EMF देखें तो कितना आएगा? 2E, और दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 2R, तो नेट EMF तो आएगा 2E, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2R। बाकी कितने सेल बचे? जैसे आपसे कहा मैंने टोटल सेल 10 थे, 10 में दो उल्टे हैं, तो सीधे कितना है? 8। 8 कहां से आया? 10 में से दो घटाने पर, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पे कुल N सेल है जिसमें से दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, तो सीधे सेल कितने बचे? N-2। तो जो सभी सीधे सेल है उनका मैंने रिजल्टेंट सेल दिखा दिया, एक सिंगल सेल उनका परिणामी सेल में दिखा दिया, तो परिणामी सेल
तो दिखा देंगे उसका ई एफ कितना आएगा, एन माइनस टू ई, और रेजिस्टेंस क्या आएगा, एन माइनस टू आर, क्योंकि सीधे सेल कितने बचे थे, एन माइनस टू सेल सीधे थे, तो उनका परिणामी ई एफ तो आ गया और ये परिणामी रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है इस दिशा में। अब बच्चों देखो ये सेल इस दिशा में धारा देना चाहते हैं और ये वाले सेल इस दिशा में, लेकिन ज्यादा सेल कौन से हैं, ये वाले, क्योंकि आप सोचो ना चार से ज्यादा संख्या है इनकी, तो अपने आप ज्यादा आएंगे आएंगे, जैसे चार से यार पांच हो गया, तो पांच में से दो सेल उल्टे हैं, सीधे कितने हैं तीन, तो ज्यादा संख्या कौन सी, ये वाली संख्या ज्यादा है ना, तो इसके अनुसार धारा पारित होगी, जिससे धारा पारित होगी इस प्रकार से परिपथ में, इस प्रकार धारा पारित होगी। अब कह रहा हूं तो किसी भी एक सेल विपरीत ध्रुवता वाले, ये विपरीत ध्रुवता वाले किसी भी एक सेल, मान लो ये सेल है की टीपीडी हमें ज्ञात करनी है, विपरीत ध्रुवता वाले किसी भी एक सेल की टीपीडी ज्ञात करनी है, तो आपसे कहा टीपीडी ज्ञात करने से पहले धारा पता होनी चाहिए, तो पहले धारा निकालनी पड़ेगी, तो धारा निकालें आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट करके, ई नेट अपॉन आर नेट। और चो ई नेट का मान देखिए, ये सेल इसको मैं पूरे को बोल दू ई वन, इसको बोल दू ई टू, ये ई वन और ये ई टू, तो हम देख रहे हैं ई वन ई टू दोनों विपरीत दिशा में, तो परिणामी ई एफ क्या आएगा, ई वन माइनस ई टू, ठीक है, तो यहाँ पे ई वन माइनस ई टू आएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बड़ा सेल माइनस छोटा सेल कर देंगे, तो ई वन माइनस ई टू से ये एन माइनस टू ई माइनस टू ई, या क्या ई वन माइनस ई टू कर दिया, बटे में, बटे में तो रेजिस्टेंस क्या होता है आर वन प्लस आर टू का, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस जुड़ता ही हमेशा, कभी माइनस होता ही नहीं है, तो एन माइनस टू आर प्लस टू आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में नेट रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया ऊपर, तो बच्चों ये ऊपर जाएगा एन माइनस फोर ई, एन माइनस फोर ई तो ऊपर ही हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आर, सॉरी एन आर, ये आ गया आई का मान। अब देखो तो सेकंड यहां पे टीपीडी निकालनी है हमें, टीपीडी निकालें, तो टीपीडी टीपीडी निकाल रहा हूं मैं, किसकी विपरीत ध्रुवता वाले की टीपीडी निकाल रहा हूं, तो टीपीडी वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई प्लस आई आर। अच्छा E प्लस आई आर क्यों, यहाँ भी E प्लस आई आर क्यों, क्यों देखिए बच्चों गौर से, यहाँ से धारा जा रही है इसमें एंटर कर रही है, तो वापस यहाँ पे देखें इस सेल के धन सिरे में धारा एंटर कर रही है, तो इसलिए यहाँ इस सेल का भी क्या हो रहा है, आवेशन। तो जब भी जिसका हम टीपीडी निकाल रहे हैं सेल का, उसका अगर आवेशन हो रहा होता है, तो वी बराबर ई प्लस आई आर होता है, ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं आवेशन की ही स्थिति है, आवेशन की स्थिति है, ठीक है, तो वी बराबर ई प्लस आई आर, तो ई का मान कितना, ई का मान तो फिर यही सही, आई का मान रख दो यहाँ पे, आई का मान रख देंगे n माइनस फोर ई अपॉन एन आर इंटू आर, ठीक है, यहां से बच्चों r से r कट गया, अब इनमें से e कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकाल लेंगे, यहां बचेगा 1 प्लस, यहां बचेगा n माइनस फोर अपॉन एन, एलसीएम को भी खोल दें तो n बटा n तो एक हो गया, फिर माइनस का 4 बटा n हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या 2 माइनस 4 बाई n, जिसमें से 2 भी कॉमन निकाल लो, तो 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस 2 बाई एन ये आ जाएगा इसका आंसर, ये लो ये निकाल लिया अपने टीपीडी, किसका निकाला, इस वाले सेल का, विपरीत ध्रुवता वाले सेल का। हाँ अगर पूछा कि सीधे वाले सेल, किसी भी एक सीधे वाले सेल की टीपीडी याद करो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी बराबर ई माइनस आई आर करते, क्यों करते बच्चों, वी बराबर ई माइनस आई आर, क्योंकि सीधे सेल से धारा निकल रही है, सीधे वाले सेल से धारा निकल रही है, तो उसके लिए हमें वी बराबर ई प्लस आई आर करके निकालना पड़ता, वी बराबर ई माइनस आई आर करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसका तो निरावेशन हो रहा होता ना, V बराबर E माइनस आई आर लगाते। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखें, ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए अपने किसके बच्चों, श्रेणी क्रम पे आधारित। चलो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं समांतर क्रम का, ये रहा बच्चों समांतर क्रम में, इसमें आपसे कह रहा बच्चों देखो ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा तीनों इस प्रकार से आपस में समांतर में जुड़ रही है। देखो बच्चों ये पूरी शाखा, बीच वाली शाखा और ये शाखा, इन तीनों के एक सिरे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दूसरे सिरे यहाँ पे आगे जुड़ रहे हैं, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के मध्य तीनों शाखाएं क्या है आपस में समांतर क्रम बना रही हैं। तो समांतर क्रम बना रही हैं, हमसे कह रहा है 1 ओम में धारा का मान ज्ञात करना है, तो 1 ओम में धारा का मान ज्ञात करना है, तो एक तरीका तो है बच्चों यहाँ पे कि हम किसका उपयोग करें, केवीएल की सहायता से, जो बड़ा सेल है उसे धारा निकाल दें, आगे विभाजन करते जाए तो उससे भी निकल जाएगा, उसे थोड़ा लेंदी पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ सेलों के संयोजन के अनुसार। देखिए बच्चों इस पूरी शाखा को एक सेल मान लो, ये इसका ईएमएफ हो जाएगा या आंतरिक प्रतिरोध, इस पूरी शाखा को एक सेल मान लो, ये ईएमएफ हो जाएगा या आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। हमें इस शाखा में धारा निकालनी है, तो जिसमें धारा निकालनी होती है उसको तो हम छेड़ते नहीं, उसको एलडी रहने देते हैं। देखिए सॉल्यूशन अपन समझे इसका, तो इस 1 ओम को तो मैं छेड़ नहीं रहा एलडी से, 1 ओम देखिए 1 ओम को तो मैंने एलडी रहने दिया, इसको नहीं छेड़ा, 1 ओम को तो एलडी से, ठीक है 1 ओम एलडी से। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये सेल और ये सेल इनका निकाल रहे हैं समांतर संयोजन, तो समझना मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं, कल आपको समझाया था मैंने कि सेल यहाँ पे अगर समान ध्रुवता के अनुसार जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में ई नेट का मान क्या होता है, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन,
अपॉन आर वन प्लस आर टू, लेकिन विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं तो ऊपर ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन आता है या फिर ई टू आर वन माइनस ई वन आर टू आता है, तो देखते हैं क्या आना चाहिए। देखिए बच्चों को और से, यहां पे देखो ये ई वन आर वन है, ये ई टू आर टू, तो पहले इस ई वन को इस आर टू से गुणा करें कितना आएगा, तीन छंग अठारह, ठीक है, और एक बार ई टू को गुणा करेंगे आर वन से कितना आएगा, चार तीन बारह, तो बड़ा कौन है, बारह बड़ा या अठारह बड़ा है, अठारह, तो हम देख रहे हैं इसको इससे गुणा करने में जो मान अठारह आ रहा है वो मान बड़ा है, मतलब ई वन आर टू का मान बड़ा है, तो ध्रुवता भी किसके अनुसार आएगी, ई वन के अनुसार, ई वन आर टू का मान अगर बड़ा होता है तो ध्रुवता आती है ई वन के अनुसार, और अगर ई टू आर वन का मान बड़ा है तो ध्रुवता आती है ई टू के अनुसार, तो यहाँ पे जो ध्रुवता आएगी इस सेल के अनुसार आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ई वन आर टू का मान बड़ा आ रहा है तो इसके अनुसार, तो यहां से अपने ये दिखा दिया, ये इस तरह से बच्चों ये आएगी ध्रुवता, इस तरह से ये दिखा दिए लोग, ठीक है, दिखा दिए अपन ने, ये ई नेट और ये आर नेट, क्या है ई नेट का मान, आर नेट का मान, यहां लिखते हैं देखो बच्चों, यहां पे ई नेट का मान क्या आएगा, ई नेट बराबर बड़ा कौन है, ई वन आर टू, तो ई वन आर टू मतलब थ्री इंटू सिक्स माइनस, अच्छा माइनस ही क्यों कर रहा हूं, गौर से किए यहां पे ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन क्यों हो रहा है, प्लस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए ये जो सेल है ये इस बिंदु की ओर धारा देना चाहता है, ये वाला सेल इसकी ओर, मतलब दोनों सेल विपरीत दिशा ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक सेल अलग दिशा में धारा देना चाहता है, एक सेल अलग दिशा में धारा देना चाहता है, दोनों विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो तीन इंटू छह माइनस चार इंटू तीन, चार इंटू तीन बटे में आर वन प्लस आर टू कर देंगे तो तीन प्लस छह, तो कितना जाएगा बटा, ये ऊपर तो क्या अठारह माइनस बारह बटा नौ, ठीक है, अठारह माइनस बारह मतलब कितना ऊपर, तो ऊपर तो जाएगा छह और जाएगा नीचे नौ हो जाएगा, तो कितना हो गया दो बटा तीन वोल्ट, तो ई नेट का मान तो कितना है बेटा, ये तो आया दो बटा तीन वोल्ट, अब आर नेट का मान है कितना आएगा, तो आर नेट का मान गुणा बटा योग कर दे इसका, तो यहाँ पे ये तीन इंटू छह मतलब आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू कर रहा हूं तो कितना जाएगा ये दो ओम, तो जाएगा ये दो ओम, ठीक है, दो ओम आ गया। अब देखियो यहां से ये एक सिंगल लूप बच रहा है, अब सिंगल लूप में धारा क्या होगी, एक सिंगल लूप बचा है तो सिंगल लूप में धारा इस प्रकार से ये आई धारा जाएगी, आई धारा दोनों में समान आएगी, सिंगल लूप बच रहा है, सिंगल लूप मतलब श्रेणी क्रम, सिंगल लूप मीन्स श्रेणी क्रम, तो यहां से आप आई निकालें, नाउ आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट अपॉन नेट रेजिस्टेंस आर नेट, तो ई नेट का मान तो कितना है इस ब्रांच में, दो बटा तीन है तो दो बटा तीन रख दिया, और आर नेट का मान क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में तो एक प्लस तीन, तो कितना हो गया दो बटा नौ एम्पियर, दो बटा नौ एम्पियर, ये इसका आंसर आ जाएगा, धारा का मान दो बटा नौ एम्पियर, क्लियर। चलो अब एक चीज और सिखाओ बच्चों, यहाँ पे मान लो इस एक ओम में धारा नहीं पूछता, एक ओम में धारा नहीं पूछता आपसे, पूछता कि यहाँ पे कि आप ज्ञात करो इस छह ओम में धारा का मान क्या होगा, पूछ सकता है आपसे कि छह ओम में धारा ज्ञात करो, ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक नोट ग्रुप में लिख लें, नोट ग्रुप में छह ओम में धारा ज्ञात करो, छह ओम में धारा तो जो छह ओम में अगर आपसे धारा पूछे क्या होगी, तो उस केस में अब देखिए जिस आपका जिस भुजा में धारा ज्ञात करनी है उसे हमें नहीं छेड़ना, उसको एडिट बनाना है, तो चलो पहले एक बार डायग्राम दोबारा बना दूंगा, क्या कहना चाहता है देखिए डायग्राम, देखिए इस तरह से एक बार फिर से मैंने डायग्राम बना दिया इसका, ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है, यहाँ पे इस जगह ये तीन और इस जगह ये तीन वोल्ट है, तो ये कितना है मान तीन ओम, ये बच्चों यहाँ पे एक ओम है, एक ओम यहाँ पे छह ओम और यहाँ पे चार वोल्ट। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है कि इस छह ओम में धारा का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस भुजा को नहीं छेड़ना, इस वाली भुजा को, हमें इन दोनों का निकालना है परिणामी सेल, किसका, इस भुजा का और इस भुजा का। बोले कैसे निकालें, यहाँ तो सेल तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे परिणामी सेल, यहाँ तो चलो ठीक है ये सेल हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ तो है ही नहीं सेल, केवल प्रतिरोध दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाली भुजा में कोई सेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम जीरो वोल्ट मान सकते हैं, कोई सेल नहीं है, इसका मतलब है एक, मान लो एक सेल, इसका मान जीरो वोल्ट है, कह सकते हैं, ये देखो इस तरह से, यहां मैंने इस तरह से एक सेल मान लिया, इस तरह से ये ले लिया जीरो वोल्ट का सेल, देखता हूं जीरो वोल्ट का सेल, ठीक है। अब बच्चों देखो हो गए दो सेल, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल, दोनों सेल क्या बना रहे हैं आपस में श्रेणी क्रम। अच्छा ये दिशा मैंने इधर ही क्यों दिखाई, उधर क्यों नहीं दिखाई,
इधर इसलिए दिखाई से फायदा है करेगा, ये सेल है इसका भी धन से राजधर है, इसका भी धन से राजधर दिखा दिया ताकि सूत्र कौन सा बन जाए E1 R2 + E2 R1 / R1 + R2। फिर दोनों सेलों की उल्टी दिखाओगे तो हमें सोचना पड़ता है कि E1 R2 - E2 R1 करें या E2 R1 - E1 R2 करें, तो ये समस्या ना हो तो इससे बढ़िया है ना। तो हम यहाँ पे दूसरा सेल जो मान रहे हैं दोनों की ध्रुवता एक ही दिशा में दिखाएं प्लस वाली, ठीक है चलो, ताकि यहाँ बच्चों E1 R2 + E2 R1 / R1 + R2 का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सेल माने मान लिया, अब यहां पर हम निकाल रहे पहले ये दोनों सेल हमें दिख रहे हैं इनका निकाले थे रिजल्टेंट, इसका निकाले रिजल्टेंट क्योंकि हमें इस भुजा को नहीं छेड़ना। तो बच्चों इसका ई नेट आर नेट निकाले तो क्या आएगा, इसका ई नेट आर नेट देखिए, इसका ई नेट आर नेट निकाले तो E1 ई नेट का मान क्या जाएगा इसका ई नेट बराबर, तो दोनों E1 R2 तो E1 R2 मतलब 3 × 1 प्लस E2 R1 मतलब 0 × 3 बटे में R1 + R2 मतलब 3 + 1 तो कितना बच्चों है ऊपर तो कितना है 3 और नीचे 4 3/4 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं निकालूं किसका मान आर का मान, यहां से इसका आर नेट क्या जाएगा आर नेट बराबर गुणा बटा योग कर दें तो 3 × 1/3 + 1 तो कितना आ गया ये 3/4 ओम, ठीक है आर नेट का मान 3/4 ओम आ गया, क्लियर। अब यहां पे हम देखें मतलब इन दोनों सेल को हटा के मैं एक सिंगल सेल लगा सकता हूं, ठीक है। अब देखो मैं हटाने जा रहा हूं और उसमें एक सिंगल सेल लगाऊंगा, इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल सेल लगाने जा रहा हूं इस तरह से, देखिए ये लो यहां से हटाया इसकी जगह मैं एक सिंगल सेल का उपयोग करूंगा क्योंकि हमें इस वाली भुजा को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसको हटा के मैंने एक सिंगल सेल लगा दिया, उसकी ध्रुवता आएगी नीचे की तरफ आएगी पॉजिटिव, ये लो ये अपने ई नेट आर नेट के मान ये लिख दिए इसके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ये अब एक सिंगल लूप बच रहा है, देखिए एक सिंगल लूप बच रहा है, ठीक है। देखो गौर से ये वाला सेल है इस दिशा में जाना चाहता है, ये वाला भी इस दिशा में, तो दोनों में धारा की दिशा समान दिशा में जाना चाहते हैं, तो आई कुछ इस तरह से प्रवाहित होगी, आई धारा इस तरह प्रवाहित होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई का मान निकाले, आई बराबर ई नेट डैश अपॉन आर डैश नेट, ठीक है। डैश को लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दो सेल है ना बेटा, एक तो ई नेट वाला सेल है और एक ये 4 वोल्ट है। देखो बच्चों ये सेल इधर देना चाहता है, ये भी इधर, दोनों सेल समान दिशा में ध्यान देना चाहते हैं अर्थात श्रेणी क्रम के अनुसार दोनों समान पॉलिटी के अनुसार जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में दोनों समान ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, तो ये भी इधर देना चाहता है ये भी इधर देना चाहता है धारा, ठीक है। तो दोनों धारा समान दिशा में देना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये तो कितना आया था 3/4 और प्लस ये कितना है 4 बटे में आर नेट अपन देखें तो एक तो 6 और एक 3/4 है, तो 6 + 3/4 तो ऊपर तो कितना जाएगा ये जाएगा 19/4 और नीचे कितना आएगा बेटा ये जाएगा 27/4, ठीक है। तो यहां से 4 से 4 कट गया तो कितना गया आंसर, ये आ गया 19/27 ये आ जाएगा रिजल्ट 19/27 एम्पियर। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे आंसर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 2 तो गए श्रेणी क्रम के और एक अपन ने सोल्व किया समांतर क्रम का क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया, ठीक है। अब बच्चों मॉड्यूल के अंदर और भी एग्जांपल दे रखे, ठीक है, सॉल्ड एग्जांपल आपने नहीं किया तो उनको अब नोट कर लेना क्वेश्चन को, एग्जांपल 41, 42, 43 ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के तीनों जो सॉल्ड एग्जांपल है काफी अच्छे सॉल्ड एग्जांपल है, ठीक है। श्रेणी क्रम पे भी देखा है इसमें 2 क्वेश्चन श्रेणी क्रम के एक समांतर क्रम का है, तो ये तीनों क्वेश्चन नोट करने ही करने हैं आपको, ठीक है। उसके अंदर कॉपी के अंदर नोट 3 तो मैंने करा दिए, 3 आप इनको नोट कर लेना, उसे बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने ये पढ़ा बच्चों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसके अंदर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो बच्चों देखें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। चलो इससे पहले आपको थोड़ा सा एक और क्वेश्चन समझा दूं, ये नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है एक श्रेणी क्रम संयोजन पे सीरीज कॉम्बिनेशन पे, इसमें बोला गया बच्चों इस प्रकार से एन समान सेल है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एन समान सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं बताया जाए तो अपन क्या मानेंगे सभी को समान ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आई वर्सेस एन ग्राफ बनाना है, मतलब धारा का एन के साथ ग्राफ क्या होगा ये हमें बताना है। सोचो देखिए यहाँ पे पहले अपन यहाँ पे धारा निकालें, कैसे निकालेंगे, आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट करके, ई नेट अपॉन आर नेट। अब देखो सारे के सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सारे के सारे नेट ई एफ कितना जाएगा एन ई के बराबर, नेट ई एफ तो एन ई जाएगा और नेट आंतरिक प्रतिरोध क्या जाएगा एन आर, ठीक है। अब यहाँ पे एन से एन कट गया कितना गया ये ई अपॉन आर। तो यहां से देखिए इस आई का जो मान है एन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं नॉट डिपेंड ऑन एन, नॉट डिपेंड ऑन एन, आई का मान एन पर निर्भर ही नहीं कर रहा, तो ग्राफ कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट लाइन आ जाएगा, मतलब इस तरह ग्राफ आएगा, आई का एन के साथ ग्राफ, आई वर्सेस एन ग्राफ, कॉन्स्टेंट लाइन, बस ये आंसर होगा इसका, आई का मान एन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। पर इसमें क्या बच्चों, इस प्रकार से ये कई सारे सेल एस सेल हैं, पहली शाखा में एस सेल, दूसरी में भी एस सेल, ऐसे करते करते टोटल पी शाखाएं हैं यहाँ पे, ठीक है, पी ब्रांचेस हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें टोटल देखो कितनी शाखाएं हैं, पी शाखाएं हैं, हमें यहाँ पे इसके साथ फिर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, इस आर में धारा का मान बताना है क्या होगा। तो जो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए पहले पहली शाखा में सारे के सारे सेल श्रेणी क्रम है, तो नेट इम्प तो क्या जाएगा एस ई, और नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा इसका एस आर, ऐसे ही सेकंड शाखा के लिए एस ई एस आर, ऐसे नेक्स्ट के लिए सबके लिए प्रत्येक ब्रांच के लिए एस ई कोमा एस आर बनेगा, ये लिख दिया मैंने एस ई एस आर, एस ई कोमा एस आर, ऐसे करते करते प्रत्येक ब्रांच टोटल पी ब्रांचेज है, ठीक है, लिख दिया बच्चों। अब देखिए ये सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं, सारी सारी शाखाएं हैं, क्या बना रही है आपस में समांतर क्रम संयोजन, और अपन जानते हैं जो समांतर क्रम संयोजन में सेल का जो नेट ईएफ है वो एक सेल के बराबर ही आता है, तो जो प्रत्येक सेल का ईएफ कितना है एसई, वही बनेगा नेट ईएफ एसई, ठीक है, नेट ईएफ तो एसई बन रहा है, और जो नेट रेजिस्टेंस है हम जानते हैं पी ब्रांचेस अगर समांतर क्रम में जुड़ी है तो नेट रेजिस्टेंस का एक बटा पी गुना हो जाता है, तो एक बटा पी गुना कर दें मतलब एस आर बटा पी हो गया ये, ठीक है, और आर आई से ही धारा आई। अब यहाँ पे आई का मान क्या होगा, देखिए आई बराबर, आई बराबर कैसे निकाल लेंगे ई नेट बटा आर नेट करके, तो ई नेट का मान तो अपने देख लिया कितना है एस ई आर है, और आर नेट का मान कितना है यहाँ पे आर प्लस एस आर बटा पी, ये लिख दिया अपन ने, ये आ गई टोटल धारा गई प्रतिरोध आर में। ठीक है, बात पहले पड़ी, चलो अब यहाँ बच्चों इसके अंदर देखें, इसके अंदर जैसे आपको मैंने पहले भी एक चीज समझाई थी, अगर हमें किसी प्रतिरोध पे अधिकतम शक्ति चाहिए होती है तो उस प्रतिरोध का मान हम किसके बराबर करते हैं रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर, तो हम कह सकते हैं देखिए एक स्टार पॉइंट ग्रुप में, ठीक है, आर पर अधिकतम, आर पर अधिकतम शक्ति हेतु, आर पर अधिकतम शक्ति हेतु इस आर का मान क्या होना चाहिए इसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर, तो यहां पे देखें इस आर का मान इसके आंतरिक प्रतिरोध कितना बन रहा है, आंतरिक प्रतिरोध का मान एस आर बटा पी, तो इसका मान एस आर बटा पी के बराबर होना चाहिए आर का मान। ठीक है, अब दूसरी बच्चों यहाँ पे यूं पूछ ले कि इस मिश्रित क्रम संयोजन में टोटल सेलों की संख्या कितनी है, कुल सेल कितने हैं, तो देखो पहली शाखा में एस सेल थे, दूसरी के अंदर भी एस सेल, ऐसे टोटल पी शाखाएं हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल क्या जाएंगे एस इंटू पी हो जाएंगे, टोटल सेल अपन देखें यहां कुल सेल क्या जाएंगे एन बराबर एस इंटू पी, कुल सेलों की संख्या कितनी बेटा एन बराबर एस इंटू पी, ये हो सकती है। ठीक है, अपन देख लिया, चलो अब उसके बाद देखें इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आर बराबर 1.2 पॉइंट आर पे अधिकतम शक्ति प्राप्त करने हेतु सममित मिश्रित क्रम संयोजन में कम से कम कितने सेलों की आवश्यकता होगी। सममित का मतलब बच्चों यहाँ पे जैसे एस सेल है शाखा में, इसका अगली के अंदर भी एस सेल है, अगली में एस सेल है, मतलब एक सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 सेल है शाखा में, इसमें 15 सेल है, इसमें 5 सेल है, इसमें 2 है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक शाखा में समान सेल होनी चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं सममित मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो सममिति बना रखा है मैंने डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह देखिए, हमें आर का मान दे रखा है अधिकतम शक्ति प्राप्त करनी है, तो न्यूनतम सेलों की संख्या कितनी आवश्यक होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों अभी आपको बताया था मैंने अधिकतम शक्ति के लिए आर का मान क्या होना चाहिए एस आर अपॉन पी, तो आर बराबर ये लगा रहा हूं मैं एस आर बटा पी, तो यहां से हम देखें हमें इस आर का मान कितना दिया है 1.2 आर, तो 1.2 आर रख दिया मैंने। ठीक है, बराबर एस आर बटा पी, तो यहां से आर काट दो, तो यहां से एस बटा पी का मान क्या जाएगा, देखिए ये आएगा एस बटा पी का मान ये आएगा 1.2, तो 1.2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 6/5, या चाहो तो हम इसको 12/10 भी लिख सकते हैं, 18/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, सबसे छोटे छोटा मान क्या आएगा 6/5। ठीक है, सबसे छोटे पदों में लिखें तो 6/5 आएगा, अर्थात इस एस का न्यूनतम मान कितना बनेगा 6, ये एस मिन बनेगा, और ये पी का न्यूनतम मान कितना बनेगा 5। ठीक है, बाकी और तो अगर 12/10 करेंगे तो एस का मान तो ज्यादा आ रहा है, 12 हो जाएगा, पी का मान 10 हो जाएगा, तो सबसे न्यूनतम मान क्या आएंगे एस और पी के 6/5 आएंगे। ठीक है, तो एस और मीन आगे पी। अब देखो हमें एन का मान न्यूनतम पूछा है, तो एन बराबर क्या होता है एस इंटू पी, एन का न्यूनतम मान निकालना है तो एस और पी के भी न्यूनतम मान हमें काम में लेने पड़ेंगे, मतलब इस प्रकार से देखिए एन मीन बराबर क्या आएगा एस मीन इंटू
पी मिन, ठीक है। एस मिन का मान कितना बच्चों 6, पी मिन का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 30। तो कुल सेलों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी हो गई 30, ये अपन देख लिया, ठीक है। कुल न्यूनतम सेलों की संख्या 30 ही आ गया आंसर। ऐसे बच्चों एक और एग्जांपल है मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, मोर क्वेश्चन फॉर्म में, सॉल्व एग्जांपल 44 ऑफ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसको भी आप नोट कर लेना, समझना, वो भी इसी पे आधारित है, अधिकतम शक्ति पे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, तो उसको नोट कर लेना समझते हुए, ठीक है। कॉपी के अंदर जरूर होना चाहिए, रिविजन टाइम पे अपन कॉपी पढ़ते हैं मेन तो, ठीक है। तो चलो याद तक अपने क्या पढ़ लिया बच्चों, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, सेलों के संयोजन के बारे में अपने कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। और चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ तक बच्चों अपन ने सेलों के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन तक को पूरा पढ़ लिया अपन ने। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरिंग डिवाइसेस, मतलब मापन के उपकरण, ठीक है। मापन के उपकरण में से पहले अपन देखते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आपको मैंने पहले समझाया था, तो अपन ने कहा था बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं, इस प्रकार से पी क्यू आर एस जुड़े होते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस और बीच में हमने गैलोमीटर जोड़ रखा है जी, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का यहाँ पे ए से बैटरी धारा आई आ रही, इधर अंदर जाएगी, अंदर धारा का विभाजन होगा और अंदर परिपथ धारा घूमती इस प्रकार से प्रवाहित होगी, ठीक है। यहाँ बच्चों ये इसको ए बिंदु, बी बिंदु, ये सी और ये डी बिंदु नाम दे दिया अपन ने। फिर आपको बताया था मैंने कि यदि पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस है, मतलब इसका अनुपात पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस है, तो इस समय सी बिंदु, इस सी बिंदु और डी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है समान, कब P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, तो उस कंडीशन में C और D बिंदुओं पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, इसलिए C और D के मध्य विभवांतर जीरो आएगा, अर्थात धारा मापी के सिरों पर विभवांतर जीरो होगा, इसलिए इसमें धारा क्या आएगी जीरो, IG का मान, मतलब गैलोमीटर में धारा क्या होगी जीरो, क्यों, क्योंकि C और D पर विभव समान है, अर्थात इनके मध्य विभवांतर शून्य है, इससे धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन बोलते हैं। अब तो इस स्थिति में मतलब ब्रिज संतुलित है, मतलब P बटा Q बराबर क्या है R अपॉन S। अब आपने क्या किया, इस G को उठा के यहां लगा दिया, इस E को उठा के यहां लगा दिया, तो E को उठा के यहां लगा रहे हैं, प्लस सिरा ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, G और E की स्थिति आपने इंटरचेंज कर दी, तो भी हम देखेंगे अब G का आ गया, यहां आ गया G, G आ जाएगा, इसके अंदर हम देखेंगे धारा अभी भी कितनी आएगी जीरो, मतलब अभी भी धारा जीरो रहेगी, अर्थात ब्रिज अभी भी संतुलित रहेगा, ठीक है। मतलब जी में विक्षेप कितना आएगा जीरो, तो क्या मतलब है कि इस स्थिति में यदि ई और जी की पोजीशन आपस बदल दी जाए तो भी ब्रिज संतुलित रहता है, अर्थात जी में धारा शून्य ही होगी, ठीक है, बात पहले पड़ी। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन भी आप समझा मैंने कि पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है, तो आई जी का मान जीरो होता है, परंतु रेशियो अगर समान नहीं है तो धारा किधर की ओर प्रवाहित होगी ये हमें याद रखना है। देखिए यदि P अपॉन Q लेस देन R अपॉन S है, इफ P अपॉन Q लेस देन R अपॉन S, तो उस केस में C बिंदु पर ही वो ज्यादा होता है, मतलब अगर ये प्रतिरोध छोटा है, मतलब P अपॉन Q का मान R अपॉन S से छोटा है, मतलब यार ऊपर वाला अनुपात छोटा है तो यहाँ पे विभव का मान ज्यादा होता है, ऊपर का अनुपात छोटा है तो ऊपर विभव ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं P अपॉन Q लेस देन R अपॉन S, तो VC गठन क्या होगा VD, तो C पे बिंदु पर विभव ज्यादा होगा, तो हम जानते हैं धारा किधर प्रवाहित होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यहाँ पे विभव ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम है, तो धारा इधर जाएगी सी टू डी। और अगर बच्चों ये रेशो ग्रेटर है, मतलब P अपॉन Q का मान बड़ा है, तो C बिंदु पर विभव छोटा आएगा, तो इसलिए अब क्या धारा कहाँ जाएगी डी टू सी जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। चलो अब इस पर एक एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल बच्चों ने देखिए इस प्रकार से चार प्रतिरोध है, ठीक है, 2/4 और 3/6 अनुपात हम जानते हैं बराबर आता है, मतलब ब्रिज कैसा है बैलेंस्ड है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस कंडीशन में अशून्य धारा आईजी नीचे की ओर प्रवाहित होगी, अभी तो ब्रिज बैलेंस है, आईजी का मान कितना है जीरो, तो ये चार कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन में यहाँ पे धारा आईजी नीचे की ओर प्रवाहित होगी। मतलब जैसे अपन कह दें कि इस प्रकार से मान लो प्रतिरोध पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर और ये एस है, ये बिंदु सी है बच्चों और ये बिंदु डी है, तो हमें देखना है धारा किधर की ओर प्रवाहित करानी है, सी से डी की ओर नीचे की ओर प्रवाहित करानी है। तो चो हम जानते हैं सी से डी की ओर धारा कब प्रवाहित होती है, सी टू डी, जब पी अपॉन क्यू लेस देन क्या होता है आर अपॉन एस। यहाँ पे सॉल्यूशन समझिए क्या कह रहा हूं मैं, हम देखें पी अपॉन क्यू लेस देन आर अपॉन एस हो जाने पर धारा किधर होगी नीचे की ओर, ठीक है, सी टू डी अर्थात नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, ठीक है, नीचे की ओर होगी। तो हमें करना क्या बच्चों, हमें P अपॉन Q को लेस देन R अपॉन S बनाना है। अभी अपन देख रहे हैं प्रारंभ में,
प्रारंभ में आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे पी अपॉन क्यू लेस देन आर अपॉन है, मतलब बराबर आर अपॉन एस आर है, दो ओम बटा चार ओम बराबर तीन ओम बटा छ ओम है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, अब लगाते हैं दिमाग। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लेफ्ट साइड वाले अनुपात को छोटा करना है। अभी तो दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, हमें लेफ्ट वाला मान छोटा करना है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ो, यदि प्रतिरोध दो ओम का मान बढ़ाए, ये दो ओम है, इसका मान बढ़ाओगे आप, इस दो ओम का मान बढ़ाओगे तो लेफ्ट साइड वाला जो अनुपात है बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ऊपर अंश वाला मान बढ़ा रहे हैं, तो अंश वाला मान बढ़ाने पर क्या होता है, अनुपात बढ़ जाता है। तो इसलिए पहला मान तो क्या होगा, गलत, ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड में कह रहे हैं चार ओम का मान बढ़ाए, ये चार ओम है, तो ठीक है बच्चों यहाँ पे हर, इस हर वाला मान को बढ़ा रहे हैं तो अनुपात घट जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का भाग लगेगा, फिर चार ओम से बड़ा मान ले रहे हैं तो यहाँ पे एल एच एस वाला मान घट जाएगा। तो ही तो करना है, एल एच एस वाला मान छोटा करना है, तो बिल्कुल इससे हो जाएगा छोटा एल एच एस। अब देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहा है तीन ओम का मान घटाएं, तो इस तीन ओम का मान घटाओगे, ठीक है, तो इस दाई तरफ में तीन ओम का मान घटा रहे हो तो ये आर एच एस वाला मान कम हो जाएगा, हमें कम थोड़ा करना है, आर एच एस वाला मान तो हमें ज्यादा करना है, तो इसलिए ये भी गलत है। चौथा अपन देखें कह रहा है छ ओम का मान घटाएं, तो इस छ ओम का मान घटाओगे तो इस हर वाला मान को छोटा करोगे तो छोटी संख्या का भाग लगने से आर एच एस का मान बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा ही चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसके आंसर क्या हो गए, सेकंड एंड फोर्थ, ये दो आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में अपन देख रहे हैं धारा आई जी नीचे की ओर प्रवाहित होने लगेगी। आई वैसे में तो चो ये तो पढ़ा अपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब चो नेक्स्ट उपकरण अपन देखें यहाँ पे मीटर ब्रिज के बारे में, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज क्या होता है बच्चों, मीटर ब्रिज ये बच्चों एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित उपकरण है। ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका डायग्राम देखिए, यहाँ बच्चों इसमें तीन ये मेटल स्ट्रिप होती है, मतलब धातु की पत्तियां होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे तीन धातु की पत्तियां हैं, यहाँ बच्चों ये तीन धातु की पत्तियां हैं, एक ये और एक ये और एक ये, तीन धातु की पत्तियां बच्चों। देखिए एक जो एक प्रतिरोध बच्चों आर है उसको हम इसके बीच जोड़ते हैं, ये लिखा ना आर बी, आर बी क्या बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स बच्चों एक ऐसी युक्ति होती है जिसके सहायता से अपन मन चाह प्रतिरोध काम में ले सकते हैं, अर्थात हमें आर का मान पता होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जब भी कभी एक ज्ञात प्रतिरोध की बात की जाए तो हमें प्रतिरोध बॉक्स दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब आर यहाँ पे ज्ञात है और जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको यहाँ पे इन दोनों बीच में एस इसी यहाँ पे अपन जोड़ते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे इस जगह देखिए ये एक तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से बी तक, जो कि 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब 1 मीटर लंबाई का होता है, तभी तो बोलते हैं मीटर सेतु, मतलब 100 सेंटीमीटर। ये तार बच्चों 100 सेंटीमीटर का होता है, जो कि मैंगनीन या यूरेका का बना होता है, मैंगनीन या यूरेका धातु का बना होता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, बहुत उच्च होती है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंगनीन या यूरेका धातु का उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो फिर यहाँ बच्चों हमने इस डी से सी के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है यहाँ पे इस तरह से। कैसे, देखिए ये डायग्राम बिल्कुल एक तरह से संतुलित ब्रिज के रूप में ही है। कैसे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर और एस, ये रहे आर और एस। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो लंबाई एल है, देखिए यहाँ पे लंबाई एल और इधर लंबाई कितनी है 100 - L, इसका प्रतिरोध हम पी मान लें, इसका प्रतिरोध क्यू ले लें, तो देखिए पी और क्यू, ये रहे पी और क्यू, पी और क्यू क्या है, एल और 100 - L के प्रतिरोध है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए जब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, इसको हमने इधर एक जे से जोड़ दिया, जे एक विसर्पी कुंजी होती है, विसर्पी कुंजी, तो गैल्वेनोमीटर का एक सिरा डी पे जोड़ दिया, दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी पे, इस विसर्पी कुंजी को हम इस तार पे अलग अलग स्थान पे टच करते हैं, तो एक बिंदु ऐसा मिलता है पूरी तार पे, केवल एक ही बिंदु ऐसा मिलता है जब इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या होता है, जीरो हो जाता है, मतलब आई जी का मान क्या होता है, जीरो, इसे बोलते हैं संतुलन स्थिति। ठीक है, और ये लंबाई कहलाती है संतुलन लंबाई, मतलब इस ए सिरे से दूरी है, मतलब जहां पे बैटरी का धन सिरा जुड़ा था उस ए सिरे से जो दूरी है उसे हम बोलते हैं एल, और दूसरी लंबाई क्या हो जाएगी 100 - L, क्योंकि टोटल लेंथ 100 थी तो 100 - L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से L का प्रतिरोध P है, 100 - L का प्रतिरोध Q है, तो हम देखें इस प्रकार बिल्कुल एक डायग्राम क्या बन रहा है बच्चों, ये ब्रिज बन रहा है, और यहाँ पे इसमें G में धारा जीरो है, तो इसे क्या बोलते हैं ब्रिज, संतुलित ब्रिज, मतलब इस समय R अपॉन S का मान किसके बराबर होता है, P अपॉन Q के बराबर। तो यहाँ पे लिखा है तार AB पर विसर्पी कुंजी J की एक निश्चित स्थिति पर G में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इस L को हम क्या बोलते हैं, संतुलन लंबाई कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखें, अभी देखिए नाउ अब देखो इसका जो अनुपात है R अपॉन S बराबर क्या होता है बच्चों, P अपॉन Q होता, नहीं होता, संतुलन की स्थिति में R अपॉन S बराबर क्या होगा, P अपॉन Q। P और Q क्या है बच्चों, P तो इसका प्रतिरोध है और Q इसका प्रतिरोध है। ठीक है, इसका प्रतिरोध P है, इसका प्रतिरोध Q है, तो हम जानते हैं बच्चों प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो P बटा Q बराबर आएगा L बटा 100 - L, यह आएगा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध समानुपाती लंबाई, प्रतिरोध समानुपाती लंबाई होता है,
क्योंकि अपन ने पढ़ा ना बचपन में फॉर्मूला सिखाया था आपको, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, याद है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उसी का यूज किया अपन ने। तो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो P अपॉन Q बराबर क्या होगा, L अपॉन सो माइनस L। तो यहां से अपन देखें S का मान निकालें, अतः S बराबर क्या जाएगा, S बराबर R इंटू सो माइनस L बटा L, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते इसका मान, S का मान। तो पहले संतुलन लंबाई L ज्ञात कर लेंगे, R हमें पता होता ही है, यहां रख देंगे तो सूत्र आ गया ये, ठीक है। तब बच्चों देखो, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे देखा संतुलन लंबाई प्राप्त हुई मान लो 35 सेंटीमीटर, 35 ये लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आएगी 100 माइनस 35 मतलब 65, ठीक है। तो संतुलन लंबाई 35 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अब आपसे कहा जाए कि अगर हम R और S को इंटरचेंज कर दें, R को उठा के यहां लगा दें, S को उठा के यहां लगा दें, तो बताइए संतुलन लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे बेटा जैसे आपने यहाँ पे R और S को इंटरचेंज किए हैं, इधर से ये भी इंटरचेंज जाएंगे, मतलब ये जो 100 माइनस 35 थी वो इधर आ जाएगी और ये 35 इधर आ जाएगी, मतलब इधर की लंबाई क्या हुई अब 100 माइनस 35 मतलब 65। तो न्यू संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी, नई संतुलन लंबाई 65 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब ऊपर से R और S को इंटरचेंज करोगे तो नीचे की लंबाइयां भी इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। ये देखा अपन ने, क्लियर। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, चलो एक और चीज समझाऊ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि S के लिए संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, मतलब इस अज्ञात प्रतिरोध के लिए संतुलन लंबाई हमें कितनी प्राप्त हो रही है 20 सेंटीमीटर। नई संतुलन लंबाई L डैश क्या होगी यदि समान प्रतिरोध S को S के समांतर क्रम में जोड़ दें या R के श्रेणी क्रम में जोड़ दें, दो क्वेश्चन है। तो अच्छा देखो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो स्टार्टिंग कंडीशन है प्रारंभ में अपन देखें, पहले जो इनिशियल कंडीशन आपको दिख रही है, इनिशियल कंडीशन में अभी हमने किसी को नहीं जोड़ा, खाली ये कंडीशन है S। तो ये सूत्र होता है S बराबर R 100 माइनस L, L कितना था 20 बटा 20, तो कितना हो गया बच्चों 80 बटा 20 मतलब 4R। तो S का मान कितना गया 4R, ये हमें प्राप्त हो गया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। तो प्रारंभ में हम देखा केवल R और S ये कनेक्टेड थे, तो S का मान कितना प्राप्त हो 4R के बराबर। चलो अब पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एस के समांतर क्रम में एक और एस जोड़ दें, ठीक है, मतलब ये एस के समांतर क्रम में एक और एस जोड़ देंगे तो ये परिणामी एस नेट क्या हो जाएगा S/2। S के साथ समांतर क्रम में एक और S लगा देंगे तो S नेट का मान S/2 हो जाएगा। तो जो इस सूत्र का दोबारा उपयोग करना है S की जगह S/2 का उपयोग करते हुए, क्योंकि S नेट का मान S/2 हो गया है। तो यहां लगा दें S/2 बराबर R, ठीक है, 100 माइनस L डैश, L डैश हमें ज्ञात करना है कि L डैश का मान क्या होगा। तो अब S का मान, अभी S का मान यहां से रख दो समीकरण 1 से, समीकरण से X का मान रख दिया अपन ने, तो क्या होगा देखिए हमारा पर्पस क्या बच्चों, हमें L डैश ज्ञात करना है। तो यहां से R से R कैंसिल, 4 से 2 से 4 दो बार कट जाएगा, तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये गुणा करेंगे तो 2L डैश बराबर 100 माइनस L डैश, तो कितना हो गया 3L डैश बराबर 100। तो यहां से L डैश बराबर 100/3 सेंटीमीटर, क्या जाएगा आंसर, L डैश का मान 100/3 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखो बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि R के श्रेणी क्रम में जोड़ें, अभी तो अपने समांतर क्रम में जोड़ा था S के, लेकिन आपसे कह रहा है कि R के श्रेणी क्रम में, इस जगह इस R के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं S, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में S जोड़ोगे तो R का नेट मान क्या बन जाएगा R+S, ठीक है, इसका नेट मान क्या बन जाएगा R+S। तो अब की बार वापस इस सूत्र का उपयोग करना है, लेकिन R की जगह हमें क्या लेना है R+S का उपयोग करना है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड पे S तो ऐसी है, लेकिन R की जगह क्या बन गया R+S बन गया है, ठीक है, 100 माइनस L डैश बटा L डैश, ठीक है। अब यहाँ पे S का मान रख दो 4R, जो कि ऊपर से आया था R, S का मान 4R रख दिया अपन ने, ठीक है, तो 100 माइनस L डैश बटा L डैश, ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 4R बराबर 5R, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 5, क्योंकि R से R कट जाएगा, 100 माइनस L डैश बटा L डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4L डैश बराबर 500 माइनस 5L डैश, तो कितना होगा 9L डैश बराबर 500, 9L डैश बराबर 500, तो यहां से L डैश का मान कितना आएगा 500/9 सेंटीमीटर, यह आ गया L डैश का मान 500/9 सेंटीमीटर। बात पहले पड़ी, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे ही कहीं भी एक अन्य अज्ञात प्रतिरोध एक बार एक और जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ें तो जुड़ जाएगा समांतर क्रम में, गुणा बटा योग से निकाल लेंगे, तो ये अपन ने किया यहाँ पे, ये S/2 हो गया था समांतर क्रम में जोड़ा था, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये R+S बन गया था R का मान, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो अगला एग्जांपल देखें, यहाँ पे इस तरह से डायग्राम है, ये भी मीटर बीज है, ये प्रतिरोध दे रखे हैं, ये तार दे रखी है, ये भी तार, कह रहा है यहाँ संतुलन लंबाई L है, दिख रही है संतुलन लंबाई कितनी आ रही है L आ रही है। अब यदि R को R के साथ शंटित कर दें, ये एक नया वर्ड है शंटित, मतलब शंट कर देना, तो शंट का मतलब क्या होता है समांतर क्रम में जोड़ना, ये हमेशा ध्यान रखें, किसी भी प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसे बोलते हैं शंट करना, ठीक है।
तो आगे भी ये याद रखें, आगे भी काम में आएगा शंट, ठीक है। तो आर के साथ, आर को आर के साथ शंटित कर दें, मतलब इस आर के साथ एक और समांतर क्रम में आर जोड़ दें, तो नई संतुलन लंबाई 1.6L प्राप्त होती है। आर का मान बता रहे हैं क्या होगा, तो चलो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन समझे। देखिए यहाँ बच्चों प्रारंभ में देखिए समझ आते हैं, जैसे कि ये सूत्र है, जरूरी नहीं कि आपको सूत्र याद हो, जरूरी नहीं कि आपको सूत्र याद हो, भूल जाओ तो क्या करें, तो सिंपल से बच्चों सूत्र रटो ही मत, आप तो सिंपल याद रखो कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों अनुपात के बराबर होता है, मतलब आर बटा एस बराबर एल बटा सो माइनस एल। सिंपल सी ट्रिक याद रखो, आराम से सूत्र रटने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर के प्रतिरोध का अनुपात नीचे की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा, बस ऐसे याद रखें। तो चलो इसी का उपयोग करूं यहाँ पे मैं, सूत्र से भी आ जाएगा ऐसी बात नहीं है, आपको ट्रिक सब तो समझा, उससे निकालते हैं। पांच बटा आर बराबर क्या आएगा, सो माइनस सो बटा सो बटा एल बटा सो माइनस एल, ये समीकरण नंबर एक हो गई। समीकरण नंबर दो क्या होगी बच्चों, अब क्या यहाँ पे आपसे क्या किया, आपने आर के साथ एक और समांतर क्रम में आर जोड़ दिया, क्या मान लिया जाएगा आर बाई टू बन जाएगा, तो फाइव अपॉन आर बाई टू अगली समीकरण बनेगी, फाइव अपॉन आर बाई टू कह दें, या फिर कह दें कि दस बटा आर एक ही बात है, बराबर क्या हो जाएगा आपके यार, यहाँ पे संतुलन लंबाई एल डैश आ रही है, तो एल डैश अपॉन में हंड्रेड माइनस एल डैश, ठीक है, ये समीकरण नंबर दो हो गई। अब बच्चों दो समीकरण हो गई, इनको डिवाइड करें, एक बटा दो करूं, समीकरण एक बटा दो करोगे तो डिवाइड करने बच्चों यहाँ पे एल का मान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एल डैश कितना बच्चों, एल डैश का मान रख दो, एल डैश का मान कितना था, ये 1.6L था ना, 1.6L नई लंबाई 1.6L थी, ये 1.6L रख दी मैंने 1.6L। अब इन दोनों को डिवाइड करें आपस में, तो डिवाइड करने पे L का मान आएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर, झूठ नहीं बोल रहा, सॉल्व करें निकाल लेना, L का मान 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया, हम सिर्फ क्या पूछा है R का मान, इसको रख दें समीकरण एक में, पुट इन इक्वेशन वन, तो यहाँ पे 5 बटा R बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 25 बटा 100 माइनस 25 करेंगे 75 हो जाएगा, तो 25 से 75 तीन बार कट गया, तो सुगुणा कर दें तो R बराबर कितना होगा 5 3 15 ओम। तो इस प्रकार से आर का मान अपने ज्ञात कर लिया, ये आ गया 15 ओम। तो यहाँ पे आपने एक चीज और देखी, शंट करना मतलब समांतर क्रम में जोड़ना, ठीक है। तो सिंपल क्या, जब भी मीटर बीच का क्वेश्चन आए तो करना कुछ नहीं होता, इन प्रतिरोध का अनुपात इन लंबाई के अनुपात के बराबर करना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो ये अपने दो क्वेश्चन काफी अच्छे सोल्व किए, फिर बच्चों एक दो क्वेश्चन मॉडल के अंदर रखें, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सोल्व एग्जाम्पल 70 और 71, ठीक है, 70 और 71 दोनों क्वेश्चन आप मॉडल के सोल्व करना, ठीक है, कॉपी के अंदर नोट भी करना, काफी अच्छे क्वेश्चन है। बस चार क्वेश्चन जो है, दो मैंने कराए और दो मॉडल वाले, इनको आप ढंग समझ लो, इसका एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, आप गलत करना चाहोगे बेटा तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल से इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों ये आज के लिए इतना बहुत है, अपन ने ये पढ़ लिए दो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, कल और इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ओके गुड बाय।